हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने टू यूज़ द बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड्स तक हमने पढ़ लिया था, ओके, स्टडी कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं टॉपिक सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट, ओके। So now we start. Superscript reduces the size of the text and raise it to the top of the current line. For example, today is 5th January. Here the th after the digit 5th is a superscript. Okay? Isme kya hai? Superscript reduces the size of the text and to the top of the current line. यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टूडे इज द 5th January, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, 5th January, तो 5th के ऊपर जो टी एच लिखते हैं ना हम, वो क्या होता है, उसका स्मॉल साइज दिखाता, ओके। तो हियर द टी एच आफ्टर द डिजिट 5 इज अ सुपरस्क्रिप्ट। जो टी एच है वो क्या है, सुपरस्क्रिप्ट है, ओके। वो किसके लिए, ये सुपरस्क्रिप्ट किसके लिए यूज़ होता है, डिजिट के ऊपर कुछ भी हम 5 लिख रहे हैं तो 5th लिख रहे हैं, तो TH हम लगाए थे, डिजिट के ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लगाते तो वो टेक्स्ट को क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ओके। वो किसका साइज कैसा होता है, स्मॉल साइज होता है, ओके। उसका सबस्क्रिप्ट इज अ टेक्स्ट स्टाइल दैट रिड्यूस द साइज ऑफ द टेक्स्ट एंड लोअर इट्स टू द बॉटम ऑफ द करंट लाइन। फॉर एग्जाम्पल द chemical formula of water is H2O. Here the base 2 is a subscript. Base 2 क्या है, subscript है, ओके। इसके अंदर आप देख सकते हो chemical का formula H2O लिखते हैं हम, ओके। तो ये जो 2 है ना नीचे लिखा हुआ, वो क्या है, subscript है, ओके। और superscript क्या है, ये ऊपर वाला कोई भी value या कोई भी text, ओके। तो जो ऊपर की लाइन में लिखता है टॉप पे, तो उसको क्या कहते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, और जो बॉटम में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट, ओके। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है, फॉर एग्जांपल दिया है, देखो एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, और X2 तो क्या हो गया, सबस्क्रिप्ट हो गया, ओके। देन नेक्स्ट, टू सेट द टैक्स ए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट फॉलो द स्टेप शोन बिलो। अगर हमको सुपरस्क्रिप्ट का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे जो स्टेप दिए हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट और नंबर, कोई भी टेक्स्ट या नंबर को सिलेक्ट करना है। देन क्या करना है, क्लिक ऑन सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट एज रिक्वायर्ड। आपको सबस्क्रिप्ट करना है या सुपरस्क्रिप्ट करना है, जैसे भी आपको लिखना है उस पर क्या करना पड़ेगा, आपको क्लिक करना है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरो दिया गया है, ये वाला रेड वाला डॉट, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चूज करना है, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमको H2O लिखना है, ओके। तो 2 को क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया। फिर क्या करेंगे, हम सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, हमारा H2O इस तरीके से आपको आपके टेक्स्ट में शो होगा, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स आर द ग्राफिकल सिंबल्स विच यू कैन यूज व्हाइल क्रिएटिंग अ लिस्ट इन योर डॉक्यूमेंट। बुलेट्स एंड नंबरिंग मेक लिस्ट लुक अट्रैक्टिव। बुलेट्स क्या है, ग्राफिकल सिंबल है, विच कैन यूज व्हाइल क्रिएटिंग लिस्ट इन योर डॉक्यूमेंट। आप किसके लिए यूज कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करने के लिए, ओके। बुलेट्स एंड नंबरिंग मेक लिस्ट लुक अट्रैक्टिव, उससे क्या होगा, लिस्ट का लुक कैसा होगा, अट्रैक्टिव बनेगा, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, टू एड बुलेट्स, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट द टेक्स्ट देन क्लिक द बुलेट्स ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेक्शन। आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है टेक्स्ट को और उसके बाद क्या करना है, क्लिक करना है बुलेट ऑप्शन पे, ओके, इन द पैराग्राफ सेक्शन। वो क्या हो जाएगा, सिलेक्ट होने के बाद उसमें बुलेट्स आ जाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट है टू ऐड नंबरिंग, सिलेक्ट द टेक्स्ट क्लिक द नंबरिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ सेक्शन। आपको क्या करना है,
सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, देन क्लिक करना है नंबरिंग ऑप्शन को. तो जितना भी टेक्स्ट आपने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है उसमें क्या हो जाएगा, नंबरिंग हो जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. ओके, सबसे पहली वाली पिक्चर में क्या है, स्टेप टू क्रिएट बुलेट लिस्ट. ओके, आपने बुलेट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ बुलेट्स आ जाएंगे. देखो आप इस तरीके से लिस्ट ओपन होगी. फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला चूज़ किया है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो उसके लेफ्ट साइड में ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से सिम्बॉल आपको दिखने लगेगा. ओके, आप इस तरीके से ये वाला भी यूज़ कर सकते हो, डॉट वाला भी यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर वाला भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी. आप कोई भी अपने पसंद का बुलेट चूज़ कर सकते हो. ओके, देन क्रिएटिंग नंबर लिस्ट. फिर नंबर लिस्ट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है. ओके, नंबरिंग नंबर ऑप्शन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबरिंग आपको दिखाई देगी. ओके, किस तरीके से लिखा है, 1, 2, 3 ABC, इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हो. ओके, तो आप पहले सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा टेक्स्ट को, उसके बाद नंबरिंग ऑप्शन में जाके कोई भी एक ऑप्शन को चूज़ करना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से हम बुलेट्स और नंबरिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. ओके, देन नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट. अलाइनिंग टेक्स्ट कैसे करते हैं, द वे इन विच यू प्लेस अ टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. क्या है, द वे इन विच यू प्लेस अ टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अलाइनमेंट. सिलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू मॉडिफाई, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉर अलाइनमेंट ऑप्शंस फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब. क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई कर रहे थे मतलब चेंज करना चाहते हैं उसको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा. देन क्या करना है आपको, कोई भी ये चार ऑप्शन है अलाइनमेंट के, आप उसमें से कोई भी एक चूज़ कर लो. ओके, यहाँ पे ये हो गया लेफ्ट साइड वाला, ये हो गया राइट वाला, ये हो गया सेंटर वाला और एक ये वाला हो गया. ओके, तो ऐसे ये क्या है, चार हो जाते हैं, लेफ्ट राइट अप टॉप बॉटम और सेंटर. ओके, लेफ्ट राइट सेंटर और टॉप बॉटम, इस तरीके से चार ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, तो यहाँ पे देखो, अलाइन टैक्स लेफ्ट, अलाइन टैक्स राइट, सेंटर और जस्टिफाई, ये चार ऑप्शन है, अलाइन टैक्स लेफ्ट, अलाइन टैक्स राइट, सेंटर और जस्टिफाई. ओके, तो फर्स्ट वाला हम करेंगे अलाइन टेक्स लेफ्ट. उसमें क्या है, अलाइन ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट मार्जिन. क्या होगा, जो भी पूरा आपका टेक्स्ट होगा पैराग्राफ हो, क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको शो होगा. ओके, सेंटर, अलाइन टेक्स्ट ऑन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन. आपका टेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेंटर में हो जाएगा. सेंटर किसके लिए यूज होता है, आपने कोई भी पैराग्राफ टाइप किया. ओके, तो वो क्या हो जाएगा, आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो पेज के सेंटर में आपको टेक्स्ट शो होगा. ओके, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, सिर्फ उसके पेज के बीचों बीच. देन नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइंस ऑल सिलेक्टेड टेक्स्ट टू देयर राइट मार्जिन. पैराग्राफ क्या होगा, आपका टेक्स्ट क्या होगा, राइट साइड शो होगा. ओके, देन जस्टिफाई, जस्टिफाई टेक्स्ट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स एंड लाइंस अप इक्वल टू द राइट एंड मार्जिन्स, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन्स. मैनी न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स यूज फुल जस्टिफिकेशन. जस्टिफाई किसके लिए यूज होता है, जस्टिफाइड टेक्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स. ये क्या है, इक्वल होगी बोथ साइड्स एंड लाइन्स अप इक्वली टू द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन. की लाइन्स क्या होगा, राइट एंड लेफ्ट मार्जिन में इक्वली होगी. और ये किसके लिए यूज़ होता है, न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए यूजफुल है. ओके, सो हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट अलाइन, तो ये सारा टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शो होगा. राइट अलाइन तो पूरा टेक्स्ट राइट साइड में शो हो रहा है. सेंटर में है तो देखो सेंटर में शो हो रहा है.
जस्टिफाई वाला, मतलब आप देख सकते हो उसकी पूरी लाइन कैसी है, स्ट्रेट है, ओके। यहाँ पे किस तरीके से दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। और यहाँ पे कैसे दिख रहा है, इससे, ओके। तो इस तरीके से ये चार ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ओके।